हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैन। तो फ्रेंड, आज जो देख रहे हैं वीडियो में, ये फैन ये बहुत ही पुराना फैन है, वो भी 40 साल पुराना। और इसका जो है क्वालिटी फ्रेंड, इसका जो कोयल है वो आज तक नहीं जला है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो है पंखा का जो बॉडी है बहुत ही भारी है, बहुत ही पुराना पंखा का पंखा बॉडी जो है बहुत ही भारी होते थे पहले का। अगर आपके घर में भी इस तरह का पंखा है तो आपके साथ भी आपका भी कोयल जल्दी से जला नहीं हो। और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ जो कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत ही बड़ी कैपेसिटर है और आज तक नहीं ख़राब हुआ। अभी भी वो कैपेसिटर का जो पावर है जितना रहता है उतना है। उस चीज़ का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, डिलीट हो गया, नहीं तो मैं आपको कैपेसिटर भी दिखाता ज़रूर। तो इस पंखा का राज आप देख लिए। अरे पंखा जो है कौन सा कंपनी है, यह है आपका उषा कंपनी। जब स्टार्टिंग टाइम में उषा कंपनी जब ये सब फैन निकाले थे मार्केट में, उस टाइम का ये फैन है जो कि 40 साल 50 साल पुराना फैन है, जो कि बहुत ही बेहद और अभी भी बहुत ही अच्छी स्पीड में चलती है और बहुत ही कमाल का है। तो ये हमारे दुकान पे आया था रिपेयर होने के लिए कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम को लेके। तो इसके अंदर दो स्पीड कंट्रोलर कोयल लगा रहता है वो चिमनी मिट्टी का, जिससे कि इसका स्पीड कंट्रोल किया जाता है। लेकिन आजकल स्मार्ट के दुनिया में एक रेगुलेटर, छोटा सा ट्रांजिस्टर या बीटी करके कुछ आता है, उस तरह का टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ पे स्पीड कंट्रोल को अच्छी तरीके से स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये पंखा जो है बहुत ही बेहद पुराना और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ैन है। अगर कबाड़े में भी मिल जाए तो अब इसको परचेज कर लें, चलता हुआ मिले तो। कोयल अगर ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर से कोयल बेंडिंग करवाएंगे तो अगर कोयल बेंडिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो ये आपका पंखा ख़राब होते रहेगा, ये आपका ये अलग ही प्रॉब्लम है। तो कोयल अच्छी तरीके से बेंडिंग होगा तभी अच्छी तरीके से चल पाएगा और लास्टिंग भी करेगा फ्रेंड। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ एक मोटिव था कि आपको पंखा दिखाने का कि पहले ज़माने का कैसा क्वालिटी पंखा रहते हैं। और देखिए पंखा आज भी हमारा ये चल रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और ये जो पंखा है हमारा घर के अगल बगल का ही था, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखा रहा था। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।